हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हम हैं ट्रैवल नॉनस्टॉप विवेक के वीडियो में और अभी जा रहे हैं हम लोग न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि मैक मिनी ले लें और हमें एकदम बेस्ट पार्किंग मिली है और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोरों से। हम लोग लकी है कि 5 मिनट के लिए बारिश शायद रुकी हो और एकदम क्लियर स्काई मिला है। आई थिंक हम लोग जा सकते हैं टूवर्ड्स द पार्क। और मुझे एक एप्पल का मैक मिनी लैपटॉप खरीदना है, तो उससे मुझे एडिटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। वही लेने का आज प्लान था और सुबह वेदर काफ़ी अच्छा था तो हम कॉन्फिडेंटली निकले थे, बट जैसे बाहर आए देखा कि पूरा बारिश होने लगा ज़ोर से और थंडरस्टॉर्म की वार्निंग भी आ गई। बट लकीली अभी जैसे आप देख रहे हो, गॉड इज़ वेरी ग्रेटफुल, उसने पूरा वेदर क्लियर कर दिया और अभी एकदम वापस नॉर्मल हो रहा है। तो प्लान इज स्टिल ऑन, अभी हम वॉक करके जाएंगे न्यूपोर्ट बाथ स्टेशन और वहाँ से लेंगे ट्रेन जो हमें न्यूयॉर्क छोड़ेगी और फिर आपको एप्पल स्टोर घुमाता हूँ। 5th Avenue का एप्पल स्टोर आई थिंक काफ़ी मस्त है, उन लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोर बनाया, तो इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्थ इट। ये वाले पाथ ट्रेन स्टेशन का नाम है न्यूपोर्ट और ऐसे बहुत सारे न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में पाथ ट्रेन स्टेशन हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू न्यूयॉर्क, दिस इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन गो। अभी 30 मिनट चला गया तो उसका क्या? तो बोलता कि तो फिट हो, चलना पसंद है। लास्ट स्टॉप है, एक सेकंड रुक जा, मैं देखता हूँ यहाँ से बेटर है एग्जिट करना कि वहाँ से। तो न्यूयॉर्क सिटी में तो एनर्जी लेवल अलग ही रहता है। यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेन से बाहर स्टेशन से बाहर आओ और बाहर यहाँ पे वॉक करो, आपको फील होता है कि यार इस सिटी का लेवल अलग है। सो पाथ स्टेशन से निकल के हम अराउंड 30 मिनट्स वॉक करना है टू गो टू दी एप्पल स्टोर ऑन 5th Avenue। तो हम बस वही वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे वॉक करने में मज़ा आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, हैपनिंग चीज़ें हैं रास्ते में, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ वॉक करने के लिए। दूसरा ऑप्शन था कि हम सबवे ले सकते थे, बट वॉक करते करते रास्ते में इंटरेस्टिंग स्पॉट्स में आपको दिखा सकता हूँ ना, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू वॉक। मुझे ना मेरे इंटर्नशिप के दिन याद आ रहे हैं। एवरी डे फॉर 4 मंथ्स आई यूज टू कम टू न्यूयॉर्क और कम से कम 5 ट्रेन से 33rd स्टॉप से जैसे बाहर निकलता था मुझे अराउंड 16 मिनट्स वॉक करना पड़ता था सुबह सुबह। तो मज़ा आता था, कॉफ़ी लेके मस्त जाता था मैं, तो उसकी पूरी मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं। हमने अभी लिया है इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं मार्वेलॉ, स्पेलिंग थोड़ी अलग है, IMERVEILLEUX, एंड में एक्स है, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं मार्वेलॉ। और ये फ्रेंच है, फ्रेंच डेजर्ट है, ये बेकरी भी फ्रेंच बेकरी है और काफ़ी ब्यूटीफुल है मतलब। और इन लोगों ने जो काउंटर है जहाँ पे सब बेक कर रहे हैं वो ओपन नहीं है, तो मतलब तुम देख सकते हो कि कैसे बन रहा है, बाहर से भी देख सकते हो। वो देख के ही हमें एक्साइटमेंट हुआ अंदर आने का और आगे जो कुछ ट्राई करते हैं। तो ये छोटे से आइटम ये हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इसका, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे।
तो ऑब्वियसली कलर से भी समझ सकते हो कौन सा किसका है, पिंक वाला मंजर का है और रेड वाला विवेक का। ऐसा लग रहा है कि हमने शॉर्ट में वैसे ही कलर के करना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग डेजर्ट है बट जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है ना एकदम ऐसा ऐसा करके बेच रहे हैं। देखो पिंक कलर का शॉर्ट पहना है और मेरा डेजर्ट भी पिंक है। तो मैंने उस वेटर्स को पूछा कि कौन सा रिकमेंडेड है, तो अगर आपको ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद है तो आप ये डार्क चॉकलेट वाला ले सकते हो जो मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे अगर आपको बहुत स्वीट अच्छा लगता है तो उसके भी अलग अलग ऑप्शन हैं। मंजरी ने लिया है चेरी फ्लेवर, वाइट लेता काफ़ी बढ़िया, क्रीम है, क्रीम है और डार्क चॉकलेट के ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ है। अंदर क्रीम है, अंदर पता है वो गुड्डी के बाल होते हैं ना, जैसे हम लोग खाने के बाद मुंह में पिघल जाता है कि कहाँ गया वो कहाँ गया, ऐसा ही सेम हो। मंजरी को पसंद है एकदम स्वीट। सो ये बेकरी का नाम था मार्वेलस और सच में इसका जो हमने खाया ना पेस्ट्री काफ़ी अच्छा था, और इसके सामने ही चिक फिले हैं जो मेरा पहला प्यार है, तो बट अभी आज वो नहीं खाएंगे क्योंकि आज मंजरी ने डिसाइड किया है हलाल गाइस खाने के लिए, तो उसके लिए पूरा मैंने भी पहले से एक्साइटेड हूँ और मंजरी तो बहुत टाइम के बाद खाने वाली, तो मंजरी भी एक्साइटेड है, तो हम लोग अभी उस चीज़ के लिए जगह बचा रहे हैं और कुछ अनहेल्दी रास्ते में नहीं खाएंगे। पीछे मेरी बिल्डिंग का शेप देखो कितना यूनिक है। हमारे एप्पल स्टोर के रास्ते में एक और डेस्टिनेशन मिल गया मुझे, ब्रांड पार्क। ये भी काफ़ी फेमस स्पॉट है अगर आप एज अ टूरिस्ट न्यूयॉर्क सिटी आ रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारी फेमस चीज़ें होती हैं, लाइक यू नो इंटरनेशनल योगा डे पे यहाँ पे हज़ारों लोग आके योगा करते हैं, और जैसे अब मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे बहुत कॉन्सर्ट्स भी होते हैं छोटे मोटे, लाइक यू नो आर्टिस्ट यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और सामने ग्राउंड है तो वहाँ पे लोग इन्जॉय करते हैं। अभी थोड़ी गर्मी लग रही है बट मस्त लग रहा है। हाँ ज़्यादा गर्मी लग रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा शावर भी ले सकते हो, डुबकी मार लो यहाँ पे फाउंटेन में। इंटरनेशनल योगा डे के टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे योगा करते हैं, तो मंजरी विल ऑल्सो डू मंजरी का वो गोल है लाइफ में कि यहाँ पे आकर के योगा कराएगी वो इंटरनेशनल योगा डे पे। मैं अभी रात में यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग टिकट्स ले लो फ्री हैं और आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, मेरे शो देखने के लिए पार्टी करेंगे। नहीं 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 रात में 3 बजे तक पार्टी चलेगी, 3-4 बजे तक, और मैं हूँ डीजे और मंजरी है असिस्टेंट। और क्या है नाम तुम्हारे शो का? मेरे शो का नाम है द विवेक वर्मा शो। दिस इज़ द रॉकफेलर बिल्डिंग और जो टुनाइट शो विद जिमी फैलन और जिमी किमल, ये सब आप देखते हो NBC के शोज़ हैं, वो यहाँ पे ही शूट होते हैं, तो नीचे इन लोगों ने ऐसा स्टोर बना दिया है और ऊपर शायद इनके ऑफिसेज हैं। अभी हमें रॉकफेलर सेंटर पे, रॉकफेलर की बिल्डिंग के जस्ट सामने आप स्केटिंग रिंग देख सकते हो। विंटर के टाइम में ये आइस स्केटिंग रिंग बन जाता है और यहाँ पे क्रिसमस में एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगता है जिसकी लाइटिंग जब वो स्विच ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है ये, अगर आप न्यूयॉर्क घूमने आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना है।
ये एटलस है, इसने पूरा ग्लोब उठाया अपने हाथों से। सच में अभी जो मैंने आपको दिखाया है सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल, लकीली हम यहाँ से जा रहे थे और हमें एंटर करने का मौका मिला बिकॉज इट्स संडे है। और अंदर से बहुत ही सुंदर, बड़ा था बहुत, और मेरा मतलब काफ़ी मैग्निफिसेंट था, दैट्स द कीवर्ड आई थिंक। काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे अंदर बैठ के, बहुत पीसफुल फीलिंग आई। 5 मिनट बैठा मैंने वहाँ पे चेयर्स पे जाके, आप भी आके देखो, सच में अच्छा फील होगा। दिस इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल कार्ड्स। हलाल गाइज पहले एक कार्ड से बेचता था और फिर बहुत फेमस हो गया और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारे शॉप्स आ गए। बट ये जो लोकेशन है ये इनकी ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया था सेल करना। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हलाल गाइज का कार्ड। सो एप्पल स्टोर पे पहुँच चुके हैं। रास्ते में हमने हलाल गाइज से 2 प्लेट्स ले लिए थे, मंजरी ने अपना एक वेज लिया है, मैंने नॉन वेज। और यहाँ पे पहले बैठ के खाएंगे और फिर जाकर के अंदर एप्पल स्टोर में जाकर के जो भी शॉप करना है वो करेंगे। बहुत भूख लगी है तो सीधा खाने पे टूट पड़ता हूँ। तो मैंने लिया है चिकन और फलाफल मिक्स और मंजरी ने लिया है फलाफल, राइट? यमी। मंजरी पेट पूजा कैसा था? अच्छा था, बस ऐसे लग रहा है कि अभी जाके मैं जिंदा हुई हूँ। बहुत टाइम से भूख लगी थी हमें, तो अभी गुड थिंग इज कि खाना खत्म हो गया है और बस कचरे में डालना है जो भी बचा हुआ है। मतलब खाना तो खत्म हो गया है, बस वो जो रैपिंग मटेरियल वो सब। सीधा जाएंगे एप्पल स्टोर के अंदर, पीसी खरीदेंगे एक मैक मिनी। एक गलती की थी कि मैंने स्टोर से ही यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन, तो अभी पिकअप बता रहे 8:30। तो मैंने उससे बात की कि थोड़ा जल्दी हो जाए, बट शी इज़ लाइक एक ईमेल कंफर्मेशन आता है उसके थ्रू ही, उसमें एक स्कैन करके ही वो दे सकती है। तो आई हैव टू वेट फॉर 20-25 मिनट्स आई गेस। तब तक ये स्टोर एक्सप्लोर करूँगा और कुछ और खरीदना है तो खरीद सकता हूँ। काफ़ी वेट कर रहा था, मुझे लगा 8:30 तक मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, बट लक अच्छा है कि फटाफट मुझे ईमेल आ गया पिकअप करने के लिए, तो अभी फटाफट जाके पिकअप करते हैं। अच्छी बात यह है कि मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल गया है, $50 ऑफ। हमारा जो प्लान था वो सक्सीड हो चुका है, मैक मिनी मेरे हाथ में है। यहाँ पे हम वापस वॉक करके जिस रास्ते से आए थे वही सेम रास्ता लेके वापस घर जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था हमारा आज न्यूयॉर्क में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।